सो हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स आज हम इस वीडियो में जीएसटी सब्जेक्ट जो हमारा है बीकॉम में उसका एक प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको रिसेंट पेपर 2023 में भी आया हुआ है और इससे पहले भी बहुत बार पूछा हुआ है फाइव एंड फिफ्टीन मार्क्स में तो अगर आ जाएगा कैसे करना है वो इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक like कर देना एंड इस वीडियो को शेयर भी कर देना जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं वो हम आज से कर रहे हैं तो आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना है जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जी पोर्टल क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करूँ इन डिटेल तो ये आपको फिफ्टीन मार्क्स में किसी पार्ट के अंदर पूछ लिया जाता है या फाइव मार्क्स में डिटेल में पूछ लिया जाता है तो उस हिसाब से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे तो स्टार्ट करते हैं जी पोर्टल जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स पोर्टल भी बोलते हैं अब जो जीएसटी पोर्टल होता है जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पोर्टल बोलते हैं ये क्या है एक ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है ठीक है सो so दैट आपकी हेल्प हो जाए जो भी जीएसटी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं एंड सर्विसेज हैट अगर जो भी टैक्स पेयर को क्या है बिज़नेस को और प्रोफेशनल्स को जो भी हेल्प मिलनी है वो क्या है उनको आराम से यहाँ पर मिल जाती है लाइक like, अगर हम एक बार देखें तो ये क्या है ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको किसने प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्प करने के लिए जितने भी जी रिलेटेड एक्टिविटीज हैं सर्विसेज़ है किन के लिए टैक्सपेयर बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए मैनेज बाई गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स नेटवर्क इस जो पोर्टल है इसको कौन मैनेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क जिसे हम जी बोलते हैं ठीक है द पोर्टल सर्व एज अ सेंट्रल डिजिटल हब ये जो पोर्टल है ना बेसिकली ये सेंट्रल डिजिटल हब है जहाँ पे टैक्स पेयर्स रजिस्टर्ड करते हैं अपने आप को फाइल करते हैं अपनी रिटर्न को एंड पे करते हैं टैक्स एंड हैंडल करते हैं जो भी वेरियस वेरियस जीएसटी एस टी टास्क होते हैं ठीक है और देखते हैं इसका मीनिंग तो जो जीएसटी पोर्टल है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ठीक है जो कि क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है यहाँ पे क्या है मैनेज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्टिविटीज़ को ये अलाउ करता है बिज़नेस को कि वो रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को फाइल कर सकते हैं अपनी टैक्स की रिटर्न को एंड पे कर सकते हैं टैक्स और क्लेम कर सकते हैं अगर कोई उनका रिफंड है और ट्रैक भी कर सकते हैं अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को इसको आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ पर ये वेबसाइट दे है एंड ये सिम्प्लीफाई करता है जो भी जी के, के कम्प्लाइंस है टैक्स पेयर के लिए ठीक है और मीनिंग देख लेते हैं तो जो जी पोर्टल है इंडिया में ये ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जी रिलेटेड प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको करना है वो यहाँ कर सकते हो आप अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है टैक्स की फाइलिंग करनी है पेमेंट करनी है कुछ रिफंड करना है अपना क्लेम ठीक है या कंप्लाइंस ट्रैकिंग करनी है ये सिम्प्लीफाई कर देता है जी के मैनेजमेंट को बिज़नेस के लिए एंड टैक्स पेयर के लिए कैसे ये ईजी एक्सेस दे रहा है सारी की सारी एसेंशियल सर्विसेज़ क्या है आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी ये रही वो वेबसाइट ठीक है तो फंक्शंस देखते हैं कि जीएसटी पोर्टल कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है तो सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन बिजनेस यहाँ पे क्या है अप्लाई कर सकते हैं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए वो अपडेट भी करवा सकते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन की डिटेल को एंड ऑप्टेन करते हैं वो यहाँ पे जीएसटी एस आई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर को इस पोर्टल के थ्रू फिर वो रिटर्न भी कर सकते हैं यहाँ पे फाइल्स को जैसे टैक्स पेयर फाइल कर सकता है वेरियस जीएसटी रिटर्न्स लाइक जीएसटीआर एस वन हो गया जीएसटीआर एस थ्री बी हो गया जीएसटीआर एस नाइन हो गया ऑन अ मंथली क्वार्टरली और, और एनुअल बेसिस पे जो भी एप्लीकेबल होगा उनके ऊपर टैक्स पेमेंट यूज़र यहाँ पे पे कर सकता है जी को ठीक है वो अपनी पेमेंट हिस्ट्री देख सकता है डाउनलोड कर सकता है चालान को रिकॉर्ड्स की इन वॉइस अपडेट अपलोड अलाउ करता है ये उनको बिजनेसिस को कि वो अपलोड कर सकते हैं इन्वाइस को जो उनकी हेल्प करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम में ये इंश्योर करता है कि जो क्रेडिट है वो प्रॉपरली क्लेम्ड किए जा रहे हैं फिर है इनपुट टैक्स क्रेडिट ये प्रोवाइड करता है टैक्स पेयर को जो डील कर रहे हैं आईटीसी से एलिजिबिलिटी जो भी एलिजिबल होते हैं एंड अलाउ करता है ये कि कितना आईटीसी क्लेम है ठीक है फिर है रिफंड क्लेम बिजनेस कैन अप्लाई फॉर रिफंड्स यहाँ पे वो क्या है जी पोर्टल में जो भी आपका रिफंड है उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो जैसे कि अगर एक्सेस पेमेंट कर दिया आपने ठीक है या जीरो रेटेड सप्लाई है उस सिचुएशन में नेक्स्ट है ई वे बिल सिस्टम ये इंटीग्रेट करता है ई वे बिल पोर्टल के साथ भी मैनेज करने के लिए जो भी मूवमेंट है गुड्स में इन कंप्लायंस विद जी एस टी कम्प्लायंस ट्रैकिंग एंड नोटिस टैक्स पेयर रिसीव करता है यहाँ पर नोटिफिकेशन ट्रैक कर सकता है कंप्लायंस को एंड वो रिस्पॉन्ड करता है नोटिस को जो भी इशू किया गया है जीएसटी अथॉरिटीज़ के द्वारा उसको तो यहाँ लिखा है हाउ टू एक्सेस द जी एस टी पोर्टल कैसे आप एक्सेस कर सकते हो तो ये वेबसाइट है जीएसटी पोर्टल को एक्सेस किया जा सकता है इस वेबसाइट पर ठीक है नेक्स्ट एडवांटेजेस देख लेते हैं हम इसके तो ईज़ ऑफ कंप्लायंस कह रहे ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म हो गया ना रजिस्ट्रेशन के लिए फाइलिंग रिटर्न के लिए टैक्स पेमेंट के लिए तो इससे जीएसटी के कंप्लायंस क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ जाओ और जो भी आपका आपने करना है वो यहाँ पर आप कर सकते हो नेक्स्ट टाइम सेविंग है क्योंकि क्विक ऑनलाइन प्रोसेसिंग होती है यहाँ पर टैक्स से रिलेटेड तो जिससे रिड्यूज़ होता है पेपर वर्क और जो भी टाइम आपका लग सकता था ज़्यादा नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी ये इंश्योर करता है कि एक्यूरेसी होगी टैक्स की कैलकुलेशंस में ट्रांसपेरेंसी में जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की कैलकुलेशंस वगैरह होती है और इससे ये इंश्योरिटी रहती है कि जो एरर्स हैं वो क्या रहेंगे मिनिमाइज रहेंगे नेक्स्ट है एक्सेस टू इंफॉमेशन टैक्स पेयर को कोई भी इंफॉमेसन चाहिए टैक्स से रिलेटेड रिकॉर्ड हो गया इन्वाइस हो गया पेमेंट हिस्ट्री अगर उसको देखनी है ठीक है तो वो यहाँ पे जाके क्या कर सकता है उसे देख सकता है नेक्स्ट है रिफंड एंड आईटीसी ट्रैकिंग यह हेल्प करता है क्विक क्लेम में रिफंड्स के लिए एंड वो ट्रैक भी कर सकता है अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट को यहाँ पे जिससे बिजनेस की हेल्प होती है कि वो अपना जो कैश फ्लो है उसको इजीली मैनेज कर सके नेक्स्ट है इंटीग्रेशन विद ई वे बिल्स ये सपोर्ट करता है लॉजिस्टिक्स को कैसे जोड़ता है ये ई वे बिल सिस्टम को जो भी मूवमेंट ऑफ गुड्स के थे ठीक है जो भी इस रिलेटेड कंप्लाइंस है फिर है नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर्स ये आपको टाइमली रिमाइंड भी करवाता है नोटिफिकेशन के थ्रू कि क्या डेडलाइन है या कोई अपडेट आया है जी में ठीक है तो ओवरऑल जी पोर्टल क्या है जीएसटी के मैनेजमेंट को और इजी कर देता है एफिशिएंट कर रहा है ट्रांसपेरेंट हो रहा है यहाँ पे सारा का सारा एंड यूज़र फ्रेंडली है ये बिजनेसेस के लिए एंड टैक्स पेयर के लिए ठीक है तो ये था हमारा जीएसटी पोर्टल के बारे में जिसमें हमने अगर जीएसटी पोर्टल के ऊपर आपको लिखने को आता है तो आप ये लिख के आ सकते हो जिसमें हमने मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में समझा इसके फंक्शंस और इसके एडवांटेजेस समझे तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर भी करना है आपने जिन जिनका ये सब्जेक्ट है मिलते हैं जीएसटी से ही रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो